हम एक गुड न्यूज के साथ आ रहे हैं, जहाँ पे हम जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, जो एप्लीकेबल होगी 1 नवंबर 2024 से। सो आपके लिए अगर ये एप्लीकेबल है, जरूर इस वीडियो को एंड तक देखें। यहाँ पे बहुत सारे लोग वैसे तो जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम के वेट करते रहते हैं। यहाँ पे ये जीएसटी एमनेस्टी स्कीम सबके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। रजिस्टर्ड पर्सन जिनको स्कीम एप्लीकेबल है उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है, ताकि वे उनकी कुछ टैक्स लायबिलिटी और कुछ कंप्लायंसेस को कम कर सके जो उन्होंने पहले फॉलो नहीं किया था, और अभी फिर से उसको इनिशिएट करके थोड़े कम प्राइस में या थोड़ी कम पेनाल्टी या फिर विदाउट वेवर ऑफ पेनाल्टी के साथ टैक्स पे करके आगे बढ़ सके। और गवर्नमेंट के लिए भी ये एमनेस्टी स्कीम बहुत ही बेनिफिशियल रहती है, ताकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस फॉलो ना करना पड़े और वो अपने टैक्स पेयर को एक स्टेज पर लेके आए जहां से वो फिर से अभी आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो ये एमनेस्टी स्कीम को एमनेस्टी स्कीम 2024 भी बोला जा सकता है। यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड हुआ था, अगर आपको याद है, सेक्शन 128A। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, हम पूरा सेक्शन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड है, नोटिफिकेशन में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी हुई है जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। एमनेस्टी स्कीम में अगर आपको अप्लाई करना है तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको अच्छी लग जाती है वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियो आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम नॉर्मली क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमनेस्टी स्कीम में। सेक्शन 128 ये बात करता है आपके इंटरेस्ट और पेनाल्टी की वेवर की बात करता है। ठीक है, अगर आपको कोई डिमांड ऑर्डर रिसीव हुआ है, जहां पे जैसे तो डिमांड ऑर्डर अगर रिसीव होता है ना, तो उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी तो होती है, साथ में इंटरेस्ट लेट फीस और पेनाल्टी भी इसमें एडिड की जा सकती है, राइट। तो यहाँ पे उस स्कीम में आप अपनी इंटरेस्ट और पेनाल्टी को वेव करवा सकते हैं। गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर आपने जीएसटी लायबिलिटी पे कर दी तो आप अपनी इंटरेस्ट और पेनाल्टी वेव करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 128A। अब इस सेक्शन में कुछ क्लॉजेस दिए गए हैं और उस क्लॉजेस के अकॉर्डिंग हमें ये चीजें देखनी होती है और समझनी है कि कौन सा क्लॉज हमें एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। और यहाँ पे तीन फाइनेंशियल ईयर्स को ऐड किया गया है, एक तो 1 जुलाई जब से जीएसटी आया है तब से लेकर 31 मार्च 2020, मतलब 17-18, 18-19 और 19-20 के ईयर्स को ये इंक्लूड करता है। ठीक है, अभी थ्री क्लॉजेस जो सेक्शन 128 के हैं वो क्या है। एक तो क्लॉज ए, जहां पे आपने नोटिस रिसीव कर लिए है लेकिन अब तक कोई फाइनल ऑर्डर इश्यू नहीं हुआ है अंडर सेक्शन 73(9), तो आपने नोटिस रिसीव कर लिया DRC 01 में लेकिन अभी तक फाइनल इश्यू नहीं हुआ है ऑर्डर, वो है 73(9). ये सेक्शन 73 की बात करता है, सेक्शन 73 के जो ऑर्डर इश्यू हुआ है उसकी बात करता है। ठीक है, क्लॉज बी उन लोग को एप्लीकेबल है जिनको ऑर्डर रिसीव हो चुका है अंडर सेक्शन 73(9) DRC 07 फॉर्म में। ठीक है, लेकिन उनका कोई अपील या रिविजन ऑर्डर अभी तक इश्यू नहीं हुआ है अंडर सेक्शन 107(11), 108(1) एंड 113(1). ठीक है, तो 73(9) का ऑर्डर इश्यू हो गया लेकिन कोई अपील या रिविजन का ऑर्डर अभी तक इश्यू नहीं हुआ है। और क्लॉज सी में है कि आपने अपील का ऑर्डर इश्यू हो चुका है APL 04। ठीक है, आपको वो रिसीव हो चुका है लेकिन आपने इसके अगेंस्ट फर्दर अपील फाइल नहीं करी है। तो ये तीन क्लॉजेस है, आपको ये देखना है कि आपको कौन सा एप्लीकेबल है और अकॉर्डिंगली आप एमनेस्टी स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम में अप्लाई करने के लिए भी ये क्लॉजेस के बेस पर उन्होंने फॉर्म्स अलॉट किए हैं। तो आपको ये जरूर चेक करना है कि आपको कौन सा क्लॉज एप्लीकेबल है, क्योंकि क्लॉज ए जिनको एप्लीकेबल होगा उनके लिए SPL 01 फॉर्म है, क्लॉज बी जिसको एप्लीकेबल होगा उनके लिए SPL 02 फॉर्म है, और क्लॉज सी के लिए भी SPL 02 ही एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन क्या है इसकी, कि आपको जो टैक्स लायबिलिटी आती है डिमांड ऑर्डर में आई है वो 31 मार्च 2025 से पहले पे कर देनी है, और ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 नवंबर 2024 से। तो ये जो सारे फॉर्म्स है ना वो आपको पोर्टल पे 1 नवंबर 2024 से अवेलेबल हो जाएंगे, लाइव हो जाएंगे। उसके बाद आप इस फॉर्म्स को फिलअप करके इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेने का भी टाइम लिमिट दिया गया है कि इस टाइम लिमिट के अंदर अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके लिए एक नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया गया
जिसको बोलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 21/20/2024 सेंट्रल टैक्स का ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आपके सामने है जहां पे डेट्स बताई गई है कि अगर आपको ऐसा कोई ऑर्डर इश्यू हुआ है और आप इस एमनेस्टी स्कीम में बेनिफिट लेना चाहते हैं, ऐसे वन सेक्शन 128A का जो ऑर्डर है वो अंडर सेक्शन क्लॉज ए बी और सी जो हमने अभी देखे उन क्लॉजेस में कोई भी ऐसा ऑर्डर इश्यू हुआ है आपको, तो आप अगर 31 मार्च 2025 से पहले अगर टैक्स पे कर देते हैं तो आप यहाँ पे आपकी पेनल्टी और इंटरेस्ट को वेव करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा कोई ऑर्डर है जो आपको सेक्शन 74 में इश्यू हुआ था लेकिन बाद में आपने उसको कन्वर्ट करवाया सेक्शन 73 में, या और किसी रीजन से सेक्शन 73 में वो कन्वर्ट हो गया है, रिवर्ट हो गया है, तो ऐसे केस में आपको फिर ये जो सेक्शन 73 का नया ऑर्डर इश्यू हुआ ना उसके विद इन 6 मंथ्स इसके लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये दो डेट्स यहाँ पे एप्लीकेबल है आपके लिए, आपको दोनों डेट को ध्यान में रखना है, आपके लिए जो एप्लीकेबल है उस अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस सेक्शन का जो आपको बेनिफिट लेना है एमनेस्टी स्कीम का, तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स या प्रोसीजर्स भी फॉलो करने होंगे और वो रूल्स 164 में बताया गया है। तो जब भी आप सेक्शन 128 रीड करेंगे इट शुड बी रीड विथ रूल 164, क्योंकि 164 में सारा प्रोसीजर बताया गया है और उसके लिए नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है 22/2024 सेंट्रल टैक्स, ओके। उस नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स बता गई है जिसको मैंने यहाँ पे आपके लिए ब्रीफ कर दिया है, ठीक है। उसमें क्या प्रोसीजर है ना उसको, क्योंकि उसमें लॉ की लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी गई है जो शायद आपको समझ में ना आए, अगर आप समझ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझ में आती तो आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं, आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ताकि आपके पास ये डेटा रहे, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ही सिंपल वे मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला है फॉर्म SPL01, वो किसको एप्लीकेबल है, जिसको क्लॉज ए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब क्लॉज ए क्या है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, यहाँ पे आपको DRC03 में पेमेंट करके रख देना है और फिर आपकी ऑर्डर की कॉपी और इस पेमेंट की रिसीट आपको उसमें सबमिट करनी होगी। इसके लिए टाइम लिमिट क्या है, 5 within 3 months ऑफ द डेट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 128A, तो आपको विद इन 3 मंथ्स इसको फाइल कर देना है, ठीक है। फिर है SPL02 क्लॉज बी और सी जिसको एप्लीकेबल है, उसने ये स्कीम में अप्लाई करने के लिए SPL02 फॉर्म फाइल करना है, ठीक है। यहाँ पे भी कंडीशन ये है कि आपको DRC03A में पेमेंट कर देना है और ये एप्लीकेबल हो जाएगा विद इन 6 मंथ्स, ओके। अब SPL03 में ये क्या है कि अगर ऑफिसर को लगता है कि आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया है SPL1 या फिर 2 में वो इनएलिजिबल है, या फिर आपने ये स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर आपने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसमें कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपको ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर SPL03 इश्यू करेगा, ठीक है। अगर ये इश्यू नहीं हुआ है तो आप समझ सकते हो कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन अगर ऐसा कोई आगे फर्दर कम्युनिकेशन इश्यू होता है तो उसमें एक SPL03 हो सकता है जहां पे अगर आपका एप्लीकेशन डीम्ड टू बी इनएलिजिबल होगा, तो ये आपने जब सबमिट किया SPL01 या 2 उसके विद इन 3 मंथ्स ऑफिसर इश्यू कर सकता है। विद इन 3 मंथ्स अगर ऐसा कोई फॉर्म इश्यू नहीं हुआ है आपको तो आप समझ सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। और हो सकता है कि इसके पहले ही आपको उसके रिलेटेड कोई रिस्पॉन्स मिल जाए, कुछ आंसर मिल जाए इसके रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म है SPL04। अगर आप लोगों को SPL03 फॉर्म इश्यू हो चुका है, ऑफिसर ने अगर ये फॉर्म इश्यू हुआ है कि आपका एप्लीकेशन इनएलिजिबल है, तो आपको रिप्लाई करना होगा इन SPL04, ठीक है, और विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आप इसको रिप्लाई कर दीजिए। फिर नेक्स्ट फॉर्म है SPL05। अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है, क्लॉज ए के लिए है ये, क्लॉज ए में मतलब SPL01 आपने सबमिट किया और वो एप्लीकेबल या एक्सेप्ट हो चुका है, तो फिर आपको विद इन 3 मंथ्स ये SPL05 इश्यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म है SPL06। अगर अपील अथॉरिटी आपका ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है इन केस ऑफ अपील, अगर मतलब अपील वाले केस के लिए है जहां पे क्लॉज बी था, तो ये क्लॉज बी क्या एप्लीकेबल है, अगर आपका अपील अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर SPL06 इश्यू होगा, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है यहाँ पे। फिर है SPL07। अगर आपका प्रॉपर ऑफिसर ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पे SPL03 क्या था, अगर आपको इनएलिजिबल लगता है आपका एप्लीकेशन तो फिर SPL03 इश्यू होगा, लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर को नहीं देना है आपको स्कीम में, तो उसके पास राइट्स, ऑर्डर्स वगैरह सब है, उसके पास जेन्युइन रीजन भी होगा डेफिनेटली इसका, लेकिन वो आपको इश्यू करेंगे SPL07। टाइम लिमिट क्या है ऑफिसर के पास, वो डिपेंड करता है कि आपने SPL03 का रिप्लाई किया था कि नहीं किया था, ठीक है। अगर आपने रिप्लाई किया है SPL03 का तो वो आपका रिजेक्शन ऑर्डर पास कर सकता है इन SPL07 विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। आपने जितना
आपने जब रिप्लाई किया होगा उसके विद इन 3 मंथ्स। लेकिन अगर आपने रिप्लाई ही नहीं किया है तो फिर उसके पास टाइम है 4 मंथ्स का, विद इन 4 मंथ्स वो आपका रिजेक्शन ऑर्डर पास कर सकता है एसपीएल 07 में, ठीक है। और नेक्स्ट है एसपीएल 08। ये क्या है कि जैसे ही आप इस एमनेस्टी स्कीम में अप्लाई करते हैं तो आपसे एक अंडरटेकिंग ली जा सकती है कि आपने इसके अगेंस्ट ऑलरेडी आपकी जो अपील चल रहे हैं वो अब रिस्टोर हो जाएगी और वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, वो एंड हो जाएगी और आगे कोई फर्दर अपील आप फाइल नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐसा अंडरटेकिंग आपसे लिया जाता है वो है एसपीएल 08 जो आपको विद इन 3 मंथ्स फाइल कर देना होता है, ठीक है। तो ये है आपके लिए एक प्रॉपर टाइम लिमिट के साथ में मैंने पूरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इजीली इसको देख सकते हैं अगर आप एमनेस्टी स्कीम में अप्लाई करने जा रहे हैं तो, ठीक है। तो एमनेस्टी स्कीम में आप बहुत ही केयरफुली अप्लाई करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपका ऐसा कोई 3 इयर्स का फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 का ऐसा कोई भी ऑर्डर है जहां पे ये एमनेस्टी स्कीम अगर आपको एप्लीकेबल है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए, लेकिन केयरफुली अप्लाई कीजिए, ओके। अब एमनेस्टी स्कीम के बारे में तो हमने जान लिया। आपके लिए मैंने एक फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स का कोर्स लॉन्च किया है जहां पे अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग पता है लेकिन आपके सीनियर या बॉसेस आपको फाइनलाइजेशन नहीं सिखाते या फिर आपके क्लाइंट के लिए आप एक्यूरेटली अगर फाइनलाइजेशन करना चाहते हैं, ऑडिट रेडी जहां पे हम फाइनलाइजेशन सीखेंगे, प्रोप्रेटरी फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनीज फॉर्म विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी एंड कंपनीज एक्ट, जहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन और कंपनीज के लिए डेफर्ड टैक्स, उसकी वर्किंग्स एंड उसकी एंट्रीज, यहाँ पे जितने सारे एडजस्टमेंट्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उन सब की वर्किंग के साथ में प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया है इस कोर्स में कि कैसे हम फाइनलाइजेशन करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, ईयर के बिगिनिंग में फिर से उसको रिवर्स करना पड़ता है तो वो किस तरह से होता है एंड सो ऑन, बहुत सारी इसमें इंक्लूड की है चीजें मैंने। और यहाँ पे बोनस मिल जाता है आपको 1 मंथ का व्हाट्सअप सपोर्ट जिसमें आप मुझे आपकी फाइनलाइजेशन रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हैं और विद इन 48 आवर्स आपको उसका रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। अब दूसरा वेबिनार है मेरा बिकम अ जीएसटी कंसल्टेंट, मतलब आप अपनी टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए या फिर आप कहीं पे अगर जॉब करना चाहते हैं और उसका इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो ये वेबिनार आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है जहां पे हम जीएसटी के बेसिक्स के लेकर एडवांस तक बहुत सारी चीजें कवर करी हुई है। इस 3 आवर्स के वेबिनार को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी सारी जीएसटी की नॉलेज जो आपको टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए चाहिए या फिर इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपके पास होनी चाहिए वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड करी गई है। यहाँ पे आपको साथ में अगर आप टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्लाइंट को कैसे आप मिलेंगे, उनसे कैसे आपको कन्वर्ट करेंगे, उनको कितनी फीस कोट करेंगे या फिर कैसे रिटेन करेंगे उसकी पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी गई है एज अ बोनस। या फिर अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप इंटरव्यू में किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, जीएसटी रिलेटेड ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उसको कैसे आंसर करेंगे उसकी भी पूरी ट्रेनिंग आपको एज अ बोनस प्रोवाइड कर दी गई है। और 1 मंथ का व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाता है जहां पे जीएसटी रिलेटेड एनी क्वेरीज आप मुझे पूछ सकते हैं और विद इन 48 आवर्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और भी बहुत सारे बोनसेस है जिसकी टोटल वैल्यू 15,000 से भी ज्यादा है और इसकी वैल्यू सिर्फ, इस वेबिनार की वैल्यू सिर्फ 199 है। तो अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके मुझे मैसेज सेंड कीजिए, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी इसकी और वहां से आप रजिस्टर या एनरोल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी या हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दीजिए, लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।